बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 1 जुलाई है, आज से महाविद्यालयों का नया जो सत्र है 2020 और 2021 उसकी शुरुआत हो रही है। महाविद्यालय के तमाम सारे प्रोफेसर्स के द्वारा आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में ये बात कही थी कि एडमिशन के साथ साथ हम लोग आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स ने सब यूट्यूब चैनल जो कॉलेज का है आप अगर चाहें तो उसमें देखें, GOVT मीन्स गवर्नमेंट GOVT PG कॉलेज झालावाड़, उसको आप जाके जब सर्च करेंगे तो उस पर ऑल सब्जेक्ट्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी महाविद्यालय में सब्जेक्ट्स हैं जिन प्रोफेसर्स के द्वारा वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो सब अपलोड किए जा चुके हैं, और ये लेक्चर्स डेली अपलोड किए जाएंगे नए नए आपके टॉपिक के हिसाब से। तो आप लोग रोज़ देखें इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय समय पर आपके सब्जेक्ट से संबंधित तमाम सारे बहुत ही अच्छे और कीमती लेक्चर आपको उपलब्ध हो सके। हम जानते हैं कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन 31 जुलाई तक वापस बढ़ा दिया गया है, हम लोग आपस में फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय बेकार ना जाए, तो आपको घर बैठे स्टडी मटेरियल जो है वो मिलते रहें और आप अपने सब्जेक्ट्स से जुड़े रहें। इस बात के लिए हमारे तमाम सारे प्रोफेसर दिन रात कोशिश कर रहे हैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं जो आप तक पहुँचाया जा सके, और मैं समझता हूँ कि हम कोरोना से डरे नहीं, उससे लड़ें और अपने तमाम सारे जो काम है, ख़ास तौर से एक विद्यार्थी की हैसियत से हमारा मेन काम है हमारी पढ़ाई लिखाई को जारी रखना, तो आप पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखें। महाविद्यालय के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे इन मटेरियल्स का आप फ़ायदा उठाएं, और मैं समझता हूं एक विद्यार्थी होने के नाते आपका जो समय का सही सदुपयोग है वो यही होगा, इस बहाने आप अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, अपने गुरुओं से भी जुड़े रहेंगे और निरंतर आप जुड़े रहें और नए नए मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे डेली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार गुप्ता, सहाचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। कोरोना का ये समय संक्रमण का समय है, इसमें हम लोगों को भी आपको पढ़ाने में जो हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते आए हैं क्लासों में, और अब हमें आपसे दूर रहते हुए नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना, यानी कि हमें खुद अपनी क्षमताओं में विकास करना पड़ेगा, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, कर रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि हम जो PPT है या ये इस तरह के आप प्रोफेशनल देखेंगे तो उनमें बहुत आपको कलाकारी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखेंगी, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो कंटेंट आप तक पहुँचे, भले ही वो हस्तलिखित है, भले ही इस रूप में जाए कि आपको वो परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो। जो PPT वाला पैटर्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, उनमें यदि आप सारे लोग सारी चीज़ें देखोगे तो उनमें क्या है कि वो वहाँ कम शब्द या कम चीज़ लिखते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देते हैं, और वो परीक्षा पैटर्न भी कोई RAS का है, IAS का है, उसमें क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको वो लिखित में आंसर देने होंगे, इट मीन्स कि आपको मैटर भी चाहिए। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया है, इसी को ध्यान में रखते हुए शायद YouTube के हमारे जितने भी ई लेक्चर हैं आपको और लेक्चरों से डिफरेंट नज़र आएंगे, पर निश्चित है कि हम लोग जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके अनुसार अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उनका कोई वीडियो क्वालिटी बढ़िया ना हो, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट हम इसके लिए लगातार हमारे प्राचार्य महोदय, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करें। अब दूसरी बात, हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं पर प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे। आपको क्या प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारे ये जो लेक्चर हैं 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, इनको आप सामान्य व्हाट्सएप वाले वीडियो समझ के
असावधानी में कहीं भी चलते फिरते जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे वीडियो खोल लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, ऐसी भूल आप ना करें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लगे या कुछ ऐसी बात हो, आप उसको बिल्कुल अपने घर में आधा घंटा पौन घंटा इस तरह का बनाओ कि ये हमारे पढ़ने का समय है और इस समय हमें अपने कॉलेज के जो भी संबंधित सब्जेक्ट के लेक्चर हैं वो हमें देखने हैं, आप एक बार उनको देखें और सुनें। फिर उसके बाद घंटे आधे घंटे के बाद फिर जो भी मैटर आपको वहाँ दिख रहा है उस मैटर को आप अपनी कॉपी में लिखें, इससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर तीसरी बार फिर देखें उस वीडियो को, तो मैं ये मानता हूँ कि तीसरी बार देखने पर जो लिखा हुआ आपके स्वयं के हाथ का लिखा हुआ मैटर है वो आपको निश्चित तौर पर सर के द्वारा कहने के बाद और दोबारा कहने के बाद वो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। तो हम लोगों का यही सारा प्रयास है, आप लोग भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सफल सिद्ध होंगे। धन्यवाद।